بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 5 लाख हदीसों लिखना और आओ चलो का सफर करना दिन रात एक करके नहीं पैदल नहीं अल्लाह क्या दुनिया ने इनको कुछ तनखा दिया था? इतना लंबा जो सफर के लिए क्या उसका कहीं किराया भी दिया था? न इनको किसी ने तनखा दिया, न इनको किसी ने किराया दिया, न इनको किसी ने सादे राख दिया, न इनको किसी ने कलम और स्याही का और कागज का पैसा दिया। चलते चलते पैर भी जाए सिवाय इखलास और अल्लाह के रसूल की हदीस को इकट्ठा करके महफूज कर लेने के अलावा कोई दूसरा मकसद था ही नहीं। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین, قبل الصلاة محدثین کے رحلات پر بات ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام نے چھٹا طریقہ جو حدیث کو یاد کرنے محفوظ کرنے نبی کے ہر فرمان کو محفوظ کر کے امت کے لیے آگے بڑھانے کے لیے تیار اختیار کیا تھا, اس میں چھٹا طریقہ کیا تھا؟ رحلہ, یعنی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سفر کرنا. اور وہی بات چل رہی تھی, ابھی 2-3 مثالیں صحابہ کرام کی دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ صحابہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اور حدیث کو یقین میں تبدیل کر دینے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے محنتیں کی. تو سب سے پہلے ہم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب العدد المفرد میں, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں, امام ابو یعلا مسندی نے اپنے مسند میں, امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جامع بیان العلم و فضلہ, اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین کتاب الجامع لاخلاق الراوی والسامع. یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں, لیکن اکثر عربی میں ہیں, کچھ کا ترجمہ ہوا ہے. ان تمام لوگوں نے نقل کیا ہے, لیکن سب سے آگے بڑھ کے سمجھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب العلم میں تعلیقاً بھی ذکر کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما, اب ذرا دیکھیں حدیث سننے کے لیے سفر کیسے کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما
मस्जिद नबवी के करीब से गुजर रहे थे तो देखा कि एक साहब हदीस बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, और हदीस पहली मरतबा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने सुना। बयान करने वाला सच्चा था, बयान करने वाला सच्चा था, सिका था, सनद बिल्कुल दुरुस्त थी नबी अलैहिस्सलाम शाम तक। यानी दुरुस्त क्या, यानी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अल्लाह के रसूल से नहीं सुना था, दूसरे सहाबी ने सुना था। तो बयान करने वाले से पूछा कि मियां समेत अमीर रसूल ये हदीस तुमने अल्लाह के रसूल से सुना? कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुना। कहा फिर किससे सुना? कहा भाई मैंने सुना है एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उनैस है और उस मुल्क के शाम में है, यहां नहीं है। जरा सोचो, तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर प्लेन का सफर चाहिए, हम और आप बस ट्रेन क्या कहते हैं रोड का सफर नहीं करते, हमको प्लेन चाहिए। मदीने से शाम 1500 किलोमीटर के करीब वो पता चला वहां मौजूद है। अल्लाह कुर्बानी, देखो हदीस रसूल की हिफाजत की जिम्मेदारी। जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सुना कि इस हदीस को जो मुझे यहां बयान कर रहा है इसने अल्लाह के रसूल से नहीं सुना, अब्दुल्लाह इब्न उनैस सहाबी हैं उनसे सुना है, और अब्दुल्लाह बिन उनैस इस वक्त कहां है? शाम में। अब्दुल जाबिर बिन अब्दुल्ला सीधे घर गए, सीधे घर गए, बीवी से कहा जादराह तैयार करो, नौकर से कहा सवारी तैयार करो। 10 मिनट में सारा काम तैयार हुआ। ये भी नहीं सोचा कि चलो फिर बाद में जाएंगे, उसी वक्त इसने हदीस बयान किया, मैंने नहीं सुनी अल्लाह के रसूल की हदीस। उसी वक्त सवारी पर बैठे और पूरा एक महीने का सफर हुआ। कितना? हदीस कितनी, हदीस कितनी? चंद सतर की। और दिन कितने लगे पहुंचने के? एक महीना जाने के और फिर एक महीना। अल्लाह, नौकरी नहीं थी उनकी, किसी बादशाह की तरफ नौकरी नहीं, ना किसी फैक्ट्री कंपनी की तरफ से, लेकिन जिम्मेदारी क्या थी? इन्ना अरदनल अमानत अला समावात वलर्द, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह रसूल की अमानत थी कि बल्लगू अन्नी वलव आया। एक महीने का सफर तय करके शाम पहुंचे, लोगों से पूछा यहां अब्दुल्लाह बिन उनैस नामी कोई अल्लाह के रसूल के सहाबी रहते हैं? लोगों ने कहा कि हां। कहां मिलेंगे? फला जगह मिलेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंच गए तो देखा कि दरवाजे पर एक नौकर खड़ा हुआ था उनका। कहने लगे कि हाजा भाई तो अब्दुल्लाह इब्न उनैस? सहाबी रसूल? कहा हां, अल्लाह के रसूल के सहाबी अब्दुल्लाह बिन उनैस इसी घर में आबाद है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जाओ अंदर जाओ, कुल लहू जाबिर बिन अब्दुल्लाह अलल बाब, जाकर के अब्दुल्लाह बिन उनैस सहाबी से कहो कि दरवाजे पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह खड़े हैं। देखो जाबिर बिन अब्दुल्लाह और कहां से आए थे, मतलब एक महीने का सफर तय करके। जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस का खादिम गया बताया, कहा कि आका आका जल्दी उठे, क्या बात है? दरवाजे पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह खड़े हैं। इतना सुनते ही फौरी तौर पर आए भगे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह? हाँ जाबिर बिन अब्दुल्लाह, उनका मैं मदीने से आ जाऊं। इतना ही सुनते ही बाहर निकले जाबिर बिन अब्दुल्लाह, फाताना कनी मारे जोश में आकर के गले से लगा दिया। अभी नहीं पूछते किसे आ कैसे आना हुआ, गले लगा दिया।
और अब्दुल्ला सुने कहा कि भाई ज्यादा देर तक मुआनका ना करें, बाला घनी अन्न का समय तहु मिर रसूल सल्लम हदीसन, हमने सुना है कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम से एक हदीस सुनी है, आगे जरा देखें हदीस क्या है। यहशुरुल्लाहु अल-इबाद यौम अल-कियामत हुफातन उरातन गुरला बीमा, कहा कि हां मैंने हदीस सुनी, हदीस जो हदीस तुम पूछ रहे हो वो हदीस मैंने सुनी है खूब अच्छी तरह से। कहा कि अच्छा जरा सुनाओ, कहा कि ठीक है सुनाता हूं। मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते ही भी सुना कि यहशुरुल्लाहुल इबाद यौमल कियामती उरातन गुरलन बुहुमन, उरातन गुरलन बुहुमन लैस माहुम शै, फयुनादिहिम बिसौतिन यस्मऊहु मन बऊदा वाहसिबहु काल कमा यस्मऊहु मन करुबा, अनल मलिक ला यंबगी लि अहदिम मिन अहलिल जन्ना यदखुलुल जन्नता वाहदुम मिनन नार मिन अहलिन नार يدخل النار حتى يطلبه بمظلمة। पूरी हदीस कादरा हदीस सुनाओ क्या है, कहा कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते ही भी सुना, कौन कह रहा है अब्दुल्लाह इब्ने उनैस, और किसको सुना रहे हैं जाबे बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से। अल्लाह ताला कियामत के दिन लोगों को इकट्ठा करेगा तो तीन हालतें उनकी होंगी, नंबर एक उरातन नंगे बदन होंगे, बदन पर कपड़ा नहीं होगा, साफ मादरजात बिला कपड़े नंगे, मादरजात जानते हैं ना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, पैदा होता है तो सलवार कमीज पहन के पैदा होता है, मादरजात यानी पैदाइश के वक्त, गुरलन समझ गए ना, औरतन नंबर दो गुरलन गैर मख्तून खतना नहीं हुआ होगा, नंबर तीन बोहमन। अब यहां एक इश्काल दूर कर दें, हो सकता है किसी के ध्यान में रहे कि नंगे उठाए जाएंगे तो यहां तो शलवार कमीज पहनने का हुक्म दिया, सतर ढांपने को वहां क्यों, ये इश्काल हजरत आयशा ने सुना तो हदीस उनको हुआ, अल्लाह रसूल तौबा तौबा वहां सब हम लोग नंगे होंगे, क्या एक दूसरे के सतर नहीं देखते होंगे, अल्लाह सुबह में आयशा सबके चेहरे ऐसे होंगे इतनी परेशानी में होंगे कौन किस हालत में है किसी को देखता ही नहीं होगा कोई, अल्लाह उस परेशानी से सबको बचाए, जब सुकून रहता तब ना इधर उधर देखता है, वो भयानक मंजर होगा वहां कोई किसी को देखेगा ही नहीं किस हालत में है, बस खाशियतन अवसार हम तरहकुम दिल्ला परेशानी के आलम। तो मैंने कहा कि मां बोहमन, बोहमन क्या मतलब है, तीन हुफातन नंगे, गुरलन गैर मखतून, बोहमन होंगे, बोहमन क्या है, बोहमन का मतलब ये है अल्लाह अकबर कि कोई चीज उनके पास नहीं, न दिरहम होगा न दीनार होगा न सोना होगा न चांदी होगी न दौलत और खजाना होगा न आपका चेकबुक होगा, आ जाओ, और चेकबुक से भी ज्यादा कामयाब आज क्या है, कौन से कार्ड, हाँ क्रेडिट, एटीएम तो हमारे जैसे गरीब में रखता है, क्रेडिट कार्ड्स बड़े लोगों का क्रेडिट कार्ड, देख कोई एक जीत नहीं, हुफातन औरतन समझ गया, गुरलन बोहमा लई समा हम शई फजो ना दी ही, अल्लाह खूब बुलंद आवाज से पुकारेगा,
इतनी आप बुलंद आवाज से पुकारेगा, यस्मऊ मन बौदा, हश्र में हजारों किलोमीटर दूर होगा वैसे ही सुनेगा जैसे सामने करीब वाला सुनता है। क्या होगा आवाज, क्या होगी? अनल मालिक, मैं बादशाह। आज किसी के पास शायद, बल्कि दूसरी बात में क्या, ऐन अल मुलूक, कहां गए दुनिया की बादशाहत करने वाले, आए पता चले कितनी बार, अनल मलिक, मैं बादशाह हूं। ला यंबगी लिहादिन मिन अहल जन्नत यदखुलुल जन्नत व अहदुम मिन अन्नार यतलबहु बिमज़लमतिन। अल्लाहु अकबर, कितनी मुश्किलात का सामना है। कभी सोचते हैं हम लोग, हमारे असलाफ जहन्नम की और हशर की आयतें सुनते तो रोते रोते हिचकियां बन जाती थी। शेखुल हदीस मौला अहमदुल्ला साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली दारुल हदीस रहमानिया के उस शेखुल हदीस थे, और यही पहला आलिम है हमारे बर्र सगीर कार हिंदिया में जिसको शेखुल हदीस का लकब मिला है। इनसे पहले किसी को शेखुल हदीस का लकब नहीं मिला था, और इनको उलमा कहा जाता है। बर्र सगीर हिंद पाक और बांग्लादेश के उलमा की बहुत बड़ी जमात जो किताब सुन्नत की दावत देने वाले, तकरीबन सब इनके शागिर्द, इसलिए इनको उस्तादुल उलमा कहा जाता है, जिनके जरिए से बर्र सगीर हिंद बल्कि अरब के अंदर हदीस का इल्म हुआ फैला, उनमें से एक ये हैं, दिल्ली में बैठ करके पढ़ाते थे। इनके एक शागिर्द थे, हमसे बताने लगे, वल्लाह बताने लगे, जब उन्होंने सोचा कि हम उनके वतन हैं, कहने लगे पहली मरतबा में मदरसे में दाखिल हुआ और फज्र की नमाज में अगली सफ में खड़ा हुआ, अगली सफ में, तो देखा कि एक बूढ़ा दाएं तरफ खड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा होगा जो सीधा सा ना, कोई बूढ़ा आ गया होगा, मोहल्ले का होगा, जा कहीं मदरसे का फर्राश चपरासी वगैरह होगा, आगे खड़ा हो गया। कहा कि इमाम ने जैसे फज्र की किरात शुरू की और जहां जहन्नम की आयात आई, इस कदर वो बूढ़ा रोता और सीने से एक ऐसी घबराहट की आवाज निकलती कि मैं सोचा कि नियत तोड़ करके भग जाओ, ये बूढ़ा कहीं मर जाएगा, गिरेगा तो कहीं ऐसा हो मेरे ऊपर कोई केस आ जाए। लेकिन कहते हैं भगूं तो जाऊं, आगे तो किबले की तरफ दरवाजा नहीं, इधर इतनी नमाजी खड़े हैं। कहा बड़ी मुश्किल से नमाज पूरी की, तो सीधे मैं सरक गया। मैंने पूछा कि बूढ़ा कौन है? कहा कि यही शेखुल हदीस मौना अहमदुल्ला साहब हैं। कहा क्या होता है? कहा कि जहां जहन्नम की आयात आती हैं, इनकी यही कैफियत हो जाती है। जहां इमाम अजाब इलाही की आयात पढ़ता है तो यहीं इसी तरह से इनका रोना होता है। और बाद उलमा ने कहा उनके उनको देख लेने के बाद उस हदीस का मतलब समझ में आया कि जिसमें आता है कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहते, नियत बांधे हुए हैं, नमाज पढ़ाते, या तहज्जुद की नमाज रात को पढ़ रहे हैं, जहां अजाब की और जहन्नम की आयत आती ऐसे आप रोते थे कि आपके सीने में अजीदुन का अजीदिल मिर्जल, जैसे पतीली हम लोग पकाते हैं ऊपर से ढक्कन रख देते हैं तो भाप से भर फटफट की आवाज आती है, कहते हैं ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक से आवाज आती है। तो ये हालत जरा सोचो। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यंबगी लिहद मिन अहलिल जन्नत यदखुलुल जन्नत व अहद मिन अन्नार यतलबहु बिमज़लमा। कोई जन्नती, कितने भी आला दर्जे की जन्नती हो, लेकिन अगर कोई एक आम आदमी तो जाने दो, कोई एक जहन्नमी इंसान भी हश्र के मैदान में है जो कहते हैं अल्लाह इससे इस पर मेरा फला हक है, इसने हक अदा नहीं किया था, या जन्नत में जाए लेकिन इसने मुझ पर जुल्म किया है, तो अल्लाह रसूल ने फरमाया जब तक उस जन्नती उस जहन्नमी का हक वापस ना लौटा दे तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ करे, उम्मीद तो कम है चूंकि हजारों हकदार हमारे और आपके होंगे,
किसी को थप्पड़ मारा, किसी को गाली, कम से कम गीबत चुंगली तो जरूर किए होंगे। अगर माल नहीं हड़प किए होंगे तो बुराइयां पीछे पीछे जरूर की होंगी। कितनी खतरनाक वल्लाह हदीस। जाबी बिन अब्दुल्ला इसी हदीस को हासिल करने के कितने लंबा सफर किया, एक महीने का, दंग रह गई ऐसी हदीस की। कौन सी हदीस? अरे ला यंबगी ले आदम मिन अहलिल जन्नत अन यदखुलल जन्नत व अहदुम मिन अहलिन नार यतलुबुहु बिमज़लिमा। अगर कोई जहन्नमी भी अपना हक जता रहा है कि अल्लाह ताला मेरा हक इस पर है, तो जब तक जन्नती हक ना अदा कर दे तब तक जन्नत में नहीं जा सकता। हालांकि जन्नती नेक अमल है, बस क्या हुकूकुल इबाद अदा नहीं किया। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो दोस्तों, बीवी बच्चे मां बाप अजीज वाकारी पास पड़ोस लेबर मजदूरी मजदूर हर एक का हुकूकुल इबाद बहुत। देखे अपने हुकूकुल्लाह की बरकत से जन्नत में जाने का फैसला हो चुका है, लेकिन रुकावट क्या बनी है अभी? हुकूकुल इबाद। हालांकि जो जो बंदा हक तलब कर रहा है वो उसको उसके नसीब में जन्नत है भी नहीं, बल्कि कहां कैसा है वो? जहन्नमी है। वला यंबगी ले अहद मिन अहलिन नार, वला यंबगी ले अहद मिन अहलिन नार यदखुलन नार ववाहिद मिन अहलिल जन्नत यतलुबुहु बिमज़लिमतिन। और कोई बड़ा से बड़ा जहन्नमी भी, बड़ा से बड़ा जहन्नमी भी जहन्नम में उस वक्त तक नहीं डाला जाएगा जब तक कि कोई जन्नती अपना हक उससे ना ले ले। किसी जन्नती का जहन्नमी पर हक है तो उस जहन्नमी को जहन्नम में भी नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि जन्नती का हक अदा ना करते। अल्लाह ताला से दुआ करो ये मरहला सबके लिए आसान हो जाए। बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है। हुकूल कुल्लात वसल्लाह तक है, हुकूल इबाद तो बिल्कुल दीवार बन के अड़ा अड़ जाता है। अल्लाह अकबर। कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कौन हदीस बयान कर रहा है? अब्दुल्लाह बिन उनैस। कैफ या रसूल अल्लाह व इन्नमा नाती बहुमन उरातन गुरलन बहुमन। या रसूल अल्लाह कैसे हम हक अदा करेंगे? अभी तो आप फरमा रहे थे कि हर आदमी कैसे आएगा, यहशुरुल्लाहु अल-इबाद यौम अल-कियामत हुफातन उरातन उरातन गुरलन बहुमन। अभी तो आपने बयान फरमाया कि आए तो लई समाहू शई, आदमी के साथ कोई चीज नहीं होगा, बिल्कुल तने तनहा होगा, खाली हाथ, बदन पर कपड़े नहीं। तो हक वाला जब हक मांगेगा तो अदा कैसे करेगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल ने फरमाया बिल हसनात वस्सय्यात। हक वहां ये नहीं देना पड़ेगा, वहां तो हक है, सब कुछ खत्म हो गया है, कुल्लु मन अलैहा फान। और फिर भाई आपका हमारे ऊपर हक है, अगर 500 आप ले भी लेंगे हश्र के मैदान में तो क्या चलेगा, क्या मिलेगा आपको? तो वैसे ही पड़ोसी मुल्क में 1,000 और 500 का चक्कर चला हुआ। सोचो वो 500 नहीं 5,00,000 आपका मिल जाए तो जन्नत में तो कोई शॉपिंग नहीं करनी है, सदका खैरात करने का वक्त ही खत्म हो गया है। वहां मजे के लिए भी अगर जाओ, चलो आज बाल बच्चों को लेके कहीं बेहतरीन किस्म का खाना होटल के खाएं तो भी नहीं है। वहां तो सब कुछ जन्नत में वाला कुम सी हा मा तस्तही अनफसुकुम। तो अल्लाह सुबह वहां माल और दौलत का हक नहीं है, वहां क्या दिया जाएगा? बिल हसनाति वस्सय्यात। जन्नती का ने अगर किसी पर जुल्म किया है तो जालिम की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर जालिम के ने जुल्म तो किया, जालिम के पास नेकियां ही नहीं कि मजलूम को दी जाए, तो उसका क्या होगा? मजलूम का गुनाह उसके सर पर डाला जाएगा। बल्कि एक हदीस के अंदर तो आया, सही मुस्लिम की हदीस, मजलूम
کہ جتنے گناہ ہوں گے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا. اپنا گناہ اور مظلوم کا گناہ دونوں کو لے کے کہاں داخل کیا گیا؟ وہ جہنم کے اندر. حدیث سن لیا آپ نے؟ سن لیا نا؟ اس حدیث کو سننے کے لیے جابر بن عبداللہ نے کتنے لمبا سفر؟ ایک مہینہ. پھر وہیں سے سیدھے واپس. روایتوں میں بعد روایتوں میں ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا. نہیں, ہم میزبانی میں میزبانی نہیں کرانا چاہتے, صرف آپ سے حدیث سننا چاہتا تھا. پھر سواری پر بیٹھے, ایک مہینے کا سفر طے کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ واپس آئے. کوئی اس کی نظیر اور مثال پیش کر سکتا ہے؟ آج ہم کو اور آپ کو ایک مجلس میں 10-20 حدیثیں ملنے کو سننے کو مل جاتی ہیں, کتنا اللہ تعالی کا کرم. دوسرا واقعہ جو ہے تقریباً وہ بھی ایسے ہی امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث, جو وصول حدیث پر لکھی جانے والی تقریباً دوسرے نمبر کی کتاب ہے, اس سے پہلے ایک ہی دو کتابیں لکھی گئی تھی وصول حدیث پر. امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث, بلکہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق, یاد رکھیے گا, معرفت علوم الحدیث, ماشاء اللہ اس میں امام حاکم نے اتنی محنت کیا. کہا جاتا ہے کہ آج تک جتنے لوگ وصول حدیث پر کچھ لکھنا چاہے ہیں, علوم حدیث پر, سب کی بنیاد, سب کا مرجع کیا بنی؟ معرفت و علوم الحدیث. اللہ ہمیں پڑھنے کے توفیق نصیب فرمائے. امام حاکم نقل کرتے ہیں, ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیا مدینے سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. مصر گئے. کہاں گئے؟ مصر گئے. ابو ایوب الانصاری اور عقبہ ابن عامر دو صحابی تھے اور دونوں نے حدیث نبی علیہ السلام سے سنی تھی. سمجھ گئے نا؟ حدیث کیا تھی؟ مختلف روایتیں ہیں, جن میں ایک روایت ہے اللہ اکبر, کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھا اس پر اس نے پردہ ڈال دیا تو کتنا ثواب ملا؟ اتنا ثواب ملا کہ جیسے کوئی انسان اپنی لڑکی کو زمین میں زندہ دفنانے جا رہا ہو اور آپ کے دل میں رحم آ گیا, باپ کو پیسہ دے کر کے اس کی بیٹی کو خرید لیا اور اس کو دفنانے سے, قتل سے بچایا, پھر اس کی پرورش کی, لکھایا پڑھایا, تربیت کی اور جوان کر ہوئی تو شادی کر کے سسرال پہنچا دیا. اس ایک بچی کو اس طرح سے اس کی جان بچانے اور پرورش کرنے کا جتنا بڑا اجر و ثواب ہے, اس سے بھی بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پردہ اٹھاتے ہیں. پردہ پڑا ہے جب بھی کیا کرتے ہیں؟ زبان نہیں کھلوانا ورنہ بھی ننگا کر کے چھوڑوں گا. کیا کرے ہے نا, بس زبان نہیں کھلوانا. ہم فخر سمجھتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا نقصان اپنا ہم کر رہے ہیں. سنے تھے لیکن ان کو ذرا تھا, کچھ شک پڑ رہا تھا کہ ان کو, یہ یاد رکھنے کی چیز ہے, شک پڑ رہا تھا کہ ان کو, ابو ایوب انصاری کو یہ الفاظ تھے یا سن یہ الفاظ کہے. پھر ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے ساتھ اس حدیث کا سننے والا صرف ایک ہی آدمی ابھی موجود ہے, وہ عقبہ ابن عامر ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ مصر. چلو بھائی مصر گئے. مصر میں کہاں جا کے ڈھونڈیں؟ تو مصر کے اس وقت گورنر تھے مشہور صحابی حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمہ بن مخلد یہ تھے.
मिस्र के ये गवर्नर और हाकिम थे। इन्होंने सोचा चलो मसलमा के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे भाई उकबा इब्न आमिर कहां रहते हैं। कहते हैं वहां गए। हजरत मसलमा से मिले, तकरीबन एक महीने का सफर, पूरे एक महीने का सफर था मिस्र का भी, दोनों करीब पहुंचे। मसलमा बिन मखरज से पूछा, साहब जरा किसी आदमी को भेजें या आपको इल्म हो तो बताएं कि उकबा बिन आमिर कहां रहते हैं। पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि फला जगह रहते हैं। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐसा करें किसी को आप हमारे साथ भेज दें बरा मेहरबान, ताकि हमको मसलमा बिन मखलत का उकबा बिन आमिर का घर बता दे। गए फअज्जलहू, नहीं ज्यादा ताखिर ना करें, अभी जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी आप आदमी हमको दें। बहरहाल न पानी पिए, हाकिम अपने घर में बुला रहा है, बैठाना चाहता नहीं। आगे खादिम लिया और ले गया, हजरत उकबा बिन आमिर के घर पहुंचा दिया। उकबा बिन आमिर के घर पहुंचे तो कहने लगे कि उकबा इब्न आमिर के दरवाजे पहुंचे, इत्तला दी और कहा कि बताइए घर कौन, ये आवाज लगाई। उकबा इब्न आमिर नीचे उतरे, मुआनका किया, कहा देखो कि मां जाबे का या अब अय्यूब, अबू अय्यूब तुमको तुम यहां क्यों आए, क्या जहमत उठाई, क्यों आए। कहा कि हदीसुन समितुहु मिन रसूल सल्लम लम यबक अहदुन समिअहु मिन रसूल सल्लम गैरी वगैरह का। बात असल है एक हदीस मैंने सुनी थी और तुमने भी सुनी थी और दुनिया में और किसी दूसरे ने हम लोगों के साथ नहीं सुना था, और इस वक्त दुनिया में आप मौजूद हैं, तो मैं उसी हदीस को दोबारा फिर आपसे सुनना चाहता हूं कि जैसे मुझे याद है वैसे ही है या कुछ फर्क है। याद है तुमको? हां बताओ। किस मौजू पर थी? सितरिल मोमिन, मोमिन के पर्दा पोशी के मौजू पर हदीस थी। कहां याद है? लाखसुन ने क्या फरमाया, मन सतारा मोमिन फिर दुनिया अला खिद, ये ही जिसने मोमिन के ऊपर पर्दा डाल दिया उन बातों से, उन बातों मोमिन के उन बातों पर पर्दा डाला जिन बातों से मोमिन को शर्मिंदगी लाइक हो। अगर उसने ऐसा कर लिया तो एक हदीस तो है सतरहुल्लाहु यौमल कियामा, इसके बाद अल्लाह ताला कियामत के दिन बंदे की जिंदगी भर के सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। हो गई बात? हदीस सुन लिया, बयान किया। अबू अय्यूब ने कहा सदक़ता, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जैसे हदीस है जिन अल्फाज में याद है उन्हीं अल्फाज में तुमने भी याद रखा। सुम्मन सारफा, फिर वापस हो गए। इला राहिलती फारा की बहा राजन इलल मदीना, फिर सीधे मिस्र से वापस आ गए और एक लम्हा भी मिस्र में वो ठहरे नहीं। दुआ क्या हो गया? एक हदीस और आई है जिसको इमाम खतीब वगैरह नकल करते हैं, उसमें सहाबी का नाम नहीं है जो जिसने सफर किया। उसने सफर किया है मदीने से मिस्र तक, फुजाला बिन उबैद अल अंसारी बदरी सहाबी के पास। क्या नाम था? पहले थे अब्दुल्ला बिन उनैस, दूसरे में कौन थे? उकबा इब्ने आमिर, तीसरे में कौन? फुदाला इब्ने उबैद अल अंसारी बदरी सहाबी रजी अल्लाह ताला।
सफर किया मदीने से, फदाला इब्न उबैद के यहां गए, लोगों से पूछा, बाद रवायतों में आया वल्लाह, साहबी ने दरवाजा खटखटाया, नौकर निकला, कौन? फला इब्न फला आए हैं दरवाजे पर। इतना सुनते ही साहबी ने गेटमैन से कहा, नातूर से, बहू आप जल्दी बुलाओ, अंदर बुलाओ, आइए अंदर बैठे, ऊपर हैं, बाला खाने पर आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं, बाला खाने पर आने का टाइम नहीं है, उनसे कह दो कि हम दरवाजे पर खड़े हैं। फुदाला इब्न उबैद के बारे में आता, वो अपने घर के छत पर ऊपर थे, बाला खाने पर, वहीं से सलाम किया, अल्लाह के बंदे अंदर आ जाओ। कहा किला अंजिल औ असऊद, उतरेंगे तो नहीं? उतरते हो किला, मैं आता हूं। कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा तुम, मैं आ जाऊं नीचे कि तुम ऊपर आओगे? कहा नहीं नहीं, न तुम ऊपर से नीचे आओ, न मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। राजा करें क्यों, मुझे क्या, मैं एक महीने का सफर तय करके हमने आए हैं, हमने सुना है कि आपके पास एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, वही हदीस हमको सुना दे। कहा अल्लाह के बंदे बैठो, आओ, पानी पियो, उसके बाद। कहा नहीं नहीं नहीं, कहा अच्छा रुको, मैं नीचे उतरता हूं। कहा नहीं उतरो भी नहीं। कहा अल्लाह के बंदे सबर करो। कहा नहीं, एक महीने का सफर किया है, वहीं से बयान कर दो, तुम कहीं ऊपर से नीचे आ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मलकुल मौत रास्ते ही सीढ़ी में तुम्हारी रूह कब्ज कर ले, एक महीने का सफर हमारा जाए चला जाए, या तुम्हारे जमीन पर उतरने के पहले पहले मेरा वक्त आ चुका हो मलकुल मौत, मेरी रूह कब्ज कर ले, तो हदीस नहीं सुन सकेंगे। इसलिए पहले हदीस सुना दो, उसके बाद। अल्लाह अकबर, इनसे अंदाजा लगाएं कि सहाबा हदीस को हासिल करने के लिए कितने लंबे लंबे सफर, एक हदीस के लिए, तीनों सहाबियों का मामला है, सिर्फ एक हदीस के लिए सुनने के लिए कितने महीने, एक जाने और एक दो महीने का सफर। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के दिलों में हदीस के सुनने सुनाने का शौक पैदा कर दे। ये तो था मेरे भाइयों, छह हो गए। अब इसके बाद जो दौर आता है वो ताबईन का आता है। किन का आता है? ताबईन का। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें हो चुकी हैं। ताबईन ने भी तकरीबन आपने सुना, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जैसे खुद हदीस की हिफाजत किया था, पढ़ करके, याद करके, लिख करके, याद करके, लिख करके, सफर तय करके, अपने शागिर्दों को ताकीद करके, तकरीबन वही अंदाज अपने असातिज़ा और असहाब रसूल की तरबियत के मुताबिक ताबईन ने भी तकरीबन वही चीजें इख्तियार की, जिनमें से सबसे अहम जो है लिखने वाला मसला, क्योंकि ज्यादा इश्काल लोगों को लिखने पर होता है, इसलिए लिखने वाला मामला। सहाबा तो लिखते थे, बात गुजर चुकी है, लिखते थे, हदीसें जमा करते थे, याद भी करते थे, और उनमें से बाज की किताबों का नाम भी था। अब आए ताबईन। ताबईन किसको कहते हैं? ईमान की हालत में जो सहाबा को देखे। सहाबा ने कैसे लिखा, आइए, कैसे लिखते थे? नंबर एक, इमाम आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह, ये हदीस पढ़ते पढ़ाते और अपने शागिर्दों को क्या कहते थे? ताकीद करते थे, सुनो, इदा समहता शैअन, अपने शागिर्दों से क्या कहते? इदा समहता शैअन फक्तुब हो, जब भी मुझसे कोई हदीस या किसी उस्ताद से कोई हदीस सुनना, फक्तुब हो, तो उसको क्या करना? लिख लेना। नहीं साहब, हमारे पास कागज कलम नहीं, तब क्या करेंगे हम? कागज की बड़ी किल्लत थी ना, कागज ना हो तब? इमाम शाह आमिर शाह ने कहा जब भी लिखो। कैसे लिखें? अल्लाह कहा वलो फिल हायत,
कम से कम उस्ताद से जहां बैठ करके पढ़ रहे थे दीवार पर लिख लेना, जब कागज होगा तो वहां से नकल कर लेना। क्या ख्याल, लिखी जाती थी हदीसें ना, या सुन करके आना तो अपने कमरे के घर के दीवार पर लिख लेना, फिर कभी कागज मुयसर होगा तो उस पर नोट करना। क्यों भाई, फहुवा खैरुल्ला का, फहुवा खैरुल्ला का, क्यों, फहिन्ना का तहताज लेही यौम मम्मा, जिंदगी का में ये गारंटी नहीं कि कब तुमको उस हदीस की जरूरत पड़ जाए। बड़ा ताज्जुब होता होगा, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को जब जेल में डाला गया दिमश्क के अंदर, तो बैठे बैठे वो खूब लिखते थे, जालिमों ने शिकायत किया, कागज और कलम छीन लिया गया, तो जो बावर्ची था या वो जेल में निगरानी, उससे बातचीत की, वो बेचारा पूरे जेल के अंदर कहीं कागज का कोई टुकड़ा मिलता तो या और पेंसिल वगैरह वो दे देता था, जालिमों को पता चला तो वो भी छीन लिया। आखिर भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने क्या किया मालूम है, कोयला मंगाते, कोयला समझते हो ना, और जेल में जिस कमरे के अंदर थे उसकी दीवार पर लिखा करते थे। और बाद किताबें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जो मतबू हुई है वो कागज में नहीं थी, उसी जेल के दीवार पर लिखी है। तो असलाफ इतना एहतमाम करते थे, क्या कहते हैं कि आमिर उक्तुब, जो हदीस भी सुनते हो लिख लिया करो, और फिर अगर लिखने की कोई चीज ना मिले तो वक्ती तौर पर किस पे लिख लेना, दीवार पर, और फिर जब तुम्हें कागज कलम मुयस्सर हो तो उसको नोट कर लेना, पता नहीं कि कब तुम्हें उस हदीस की जरूरत है पड़ जाए। अल्लाह अकबर। नंबर दो, मशहूर सहाबी हसन बसरी रहमतुल्लाह ने, ताबई हसन बसरी कहते हैं, मा कुय्यदल इल्म बिमिसलिल किताब, इल्म को महफूज रखने की बड़ी कोशिश की जाती है लेकिन किताब में जो इल्म महफूज कर लिया जाए लिख करके, इसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। क्यों भाई, क्यों, अरब को के लोगों का बड़ा फख्र किस पर था, कुत हाफिजा पर। एक साहब को 500,000 हदीसें याद हैं और उन्होंने लिखा नहीं, मलकुल मौत आए, रूह कब्ज कर ली, तो पूरी 500,000 हदीसें कहां चली गई, उनके साथ कब्र में गई ना। और अगर लिख के छोड़ गए, भूलता नहीं मिटता नहीं, मौजूद है ना, वो कब्र में भी चले जाएंगे तो जखीरा औलाद के पास मौजूद रहेगा। इसीलिए कहा कि मा कुय्यदल इल्म बेमिसलिल किताब, नोट कर लिया करो, किताब तैयार कर लो, एक बुक ले लो, उसमें लिख लिया करो हदीसें। क्यों, लिख करके इल्म की जो हिफाजत होती किसी और के जरिए नहीं होती। फिर आखिर क्या कहते, इन्ना नक्तुबुहु लिनता आहदहु, और हम इसीलिए लिख लेते हैं ताकि उसको महफूज रखें और बार बार हम पढ़ते रहें। पता चल गया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने के पहले भी हदीसें इमाम हसन बसरी लिखा करते थे। नंबर तीन, सईद इब्न जुबैर, सईद इब्न जुबैर आप लोग जानते हैं कि यही वो सहाबी हैं ताबई के हज्जाज इब्न यूसुफ ने सबसे आखिर में जिसको कत्ल किया, 100,000 लोगों को कत्ल किया हज्जाज इब्न यूसुफ, और सबसे आखिरी शहीद कौन है, सईद बिन जुबैर, और इनका कत्ल ही उनके उस पर भारी पड़ा। इनके कत्ल के बाद उसको फिर किसी पर हाथ उठाने की नौबत ना ही, अल्लाह ने जलील और खार करके दुनिया से नेस्तनाबूद किया। अब सईद इब्न जुबैर, कल किसी साहब ने पूछा था
मैं इशारा किया था कल कि सबका सारे सहाबा की किताब, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास की कोई किताब नहीं। अगर किसी ने पूछा था तो अब देखे सईद इब्न जुबैर कहते हैं कुन तो अक्तुबु इंदा इब्न अब्बास फी सहीफती हत्ता अमलाहा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास हम बैठते थे, जो हदीसें हमको बयान करते सारी हदीसें हम नोट करते। वा अमलाहा अल्लाह, और बाकायदा हमको हदीसें इमला कराते थे। सुनाना अलग चीज है और इमला कराना क्या ख्याल है, पढ़ तो चुके हैं ना। उस्ताद जब इमला कराता है तो हो सकता है किसी जुमले को पांच मरतला उठाए, जब तक आप नहीं क्या दोहराता रहेगा। और सुनाने का तो सुना दिया, चाहे आप समझें या ना सर। अमलाहा सुम्मा अक्तुबु अल्लाह, फिर हम क्या करते हैं, पहले तो किताब में लिखते हैं। जब किताबें भर जाती थी, जो पेपर लेके गए थे या हमारी ये डायरी भर जाती जब वहां, तो हम क्या करते हैं, अब इतना टाइम रहता तो जाएं दूसरी डायरी लाने के लिए, तो कहते हैं वल्लाह अपने जूते के ऊपर वाला हिस्सा जो रहता तो उस पर लिख लेते थे, नीचे नहीं, नीचे तो तौहीन होगी। क्या करते थे वो ऊपर वाला, फिर वो भी हो जाता। सुम्मा अक्तुबु फी कफ्फैया, जब जूते के ऊपर वाला हिस्सा भी भर जाता और अभी उनका इमला जारी रहता, कहते हैं फिर हम अपने हाथों पर हथेलियों पर लिखते थे। अल्लाह अकबर, हथेलियों पर क्या लिख क्यों लिखते थे, फिर वापस आके घर में उसको नोट करें। इससे अंदाजा लगाएं जो लोग हदीसें नोट करने में पूरी पूरी डायरी भर जाए, तो जूतों के पुष्ट पर और वो भी खत्म हो जाए, लिखने की जगह न रहे तो किस पर, और लिख लेते थे हाथ। उन लोगों के बारे में, उस हदीस के बारे में कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि लोगों ने अपनी तरफ से बना दिया होगा, कितना अल्लाह के रसूल से सहाबा ने लिखा, और सहाबा से किसने लिखा, ताबईन ने लिखा, और ताबईन अपने शागिर्दों को लिखा। नंबर चार, चार के पांच, नंबर पांच सालेह बिन कैसान, सालेह बिन कैसान कहते हैं इस्तमा तो अना व जुहरी वनहनु नसुब्बुल इल्म नक्तुबु सुनन फकतबना मा जा अनि नबी सल्लम नक्तुबु मा जा अन असहाबी फइन्नहु सुन्ना फकुल्तु अना लैस बिसुन्ना फला नक्तुबुहु قال فكتب ولم اكتب فانجح وضيعت। ये बड़ी प्यारी बात है, इसको तर्जमा करते हैं याद रखना, और ना समझ में आए तो बताना, क्योंकि अभी जितनी बातें गुजरी है इस किस्म का कोई कौल नहीं गुजरा है। सालेह बिन कैसान कहते हैं मैं और हमारे साथी इमाम जुहरी, इमाम जुहरी, हम दोनों इल्म हासिल करने के लिए निकले और मकसद था उस्ताद इल्म हासिल करें। नक्तुबु सुनन, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें लिखना चाहा। फकतबना मा जा अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अब पहले तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें उस्ताद ने जितना बताया उसको हम नोट कर लिया। सुम्मा काल, हदीसें हमने भी नोट कर लिया, किसने नोट कर लिया, जोहरी ने, जोहरी ने फिर कहा नक्तुबु मा जा अना सहाबी नबी सल्लम, चलो हदीसे तो नोट किए, अब सहाबा के फतावी भी चलो हम नोट कर लेते हैं, अभी ये बात नहीं गुजरी थी, आई बात समझे ना, अभी बात हो रही थी कि सहाबा के अकवाल व अफाल और कुरान की तफसीर दुनिया के तमाम लोगों पर मुकदम की जाएगी। सालेह बिन कैसान कहते हैं कि हमने और जो इमाम जोहरी ने, दोनों ने हदीस तो नोट किया, लेकिन जब उस्ताद की हदीसें खत्म हो गई, हम लोगों ने सारी हदीसें नोट कर ली, तो जोहरी ने कहा सालेह चलो
अब नक्तुबु मा जाअ अला सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो कुछ कहा है वो भी नोट कर लें। मैंने फैनहु सुन्ना, क्योंकि वो भी सुन्नत है, लेकिन किसकी सुन्नत है? सहाबा के, अल्लाह के रसूल के शागिर्द उनकी सुन्नत भी नोट कर लेते हैं। फकुल तो अना, मैंने कहा लई सद सुन्ना, उसको क्यों सुन्नत कहते हो? सुन्नत सिर्फ रसूल की होती है। फला नक तो मैं तो नहीं लिखूंगा, तुमको लिखना है तो जाओ। कहा मैं तो नहीं गया, वो जोहरी चले गए। हदीस के बाद किसको नोट करते थे? सहाबा के कौल को। कहते हैं अफसोस, कहते फकतबा वलम अक्तुब, होशियार थे हमारे साथी जोहरी, उन्होंने लिखा और मैंने नहीं लिखा। फअंजहा, वो दुनिया में कामयाब हुआ और मैं जाए हूं, बर्बाद हुआ। पता ये चल गया कि सहाबा ताबईन के, सहाबा तो लिखते ही थे, ताबईन नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें भी सहाबी से लिखते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे ताबईन आसारे सहाबा भी नोट करते। नंबर 5, इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। इमाम ये भी जरा सा याद रखें और नोट भी रखिए, नोट भी बड़ी काम की चीज है, और हदीस को तदवीन करने की क्या जरूरत पड़ी वो सुनिए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं लौला अहादीसो तातीना मिन क़िबलिल मशरिक नुनकिरुहा ला नारिफुहा मा कतबतु हदीसन वला अदिन तो फी किताब ही। भाई देखो, हदीसों के लिखने की जरूरत इसलिए भी हम लोगों को बहुत शदीद महसूस हुई, हदीसें लिखने की जरूरत हमको इसलिए भी बहुत शिद्दत की जरूरत महसूस हुई। क्या हुआ? हदीसें लिखने की जरूरत हमें इसलिए भी महसूस हुई कि मशरिक से हदीसें आती थी तो बड़ी अजीब व गरीब। कहां से? मशरिक, मशरिक से मुराद हिंदुस्तान, इतने हाई फाई नहीं पहुंचाता। मशरिक से मुराद इराक, कूफा, समझ गए ना, फारस, ये सारे इलाके क्या थे? अल्लाह अकबर। दूसरी रवायत में आएंगे इंशाल्लाह, कहीं भी मौका मिला तो बताएंगे। कहते हैं मुसीबत ही, हदीस मदीने से निकलती थी तो चंद इन बिल्कुल छोटी सी रहती थी, और हमारे हाथ से हदीसें निकली हुई इधर मशरिक जाती, फिर मशरिक से आदमी हज उम्र में आकर बयान करता, 1.5 मीटर की रहती थी वो। हदीस अल्लाह के रसूल की मदीने में सादिर हुई, हम सहाबा ने सुना, सहाबा ने ताबईन से सुना, तो कितनी बड़ी थी? सिर्फ 1 सतर की। और फिर वही हदीस जब कूफा और इराक से आती है तो हदीस तकरीबन 1 मीटर की बन जाती है। कैसे बन जाती है हदीस? अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाला रिस्के का अफ्तर, तो ठीक है ना। फिर जब आई तो अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाला रिस्के का अफ्तर तो वबे का आमन तो वालेका तवक्कल तो, कितनी बड़ी हो गई, डबल ट्रिपल हो गई। हदीस क्या थी? अल्लाहुम्मा लका सुमतो, हो गई बात। लेकिन अब मशरिक गई तो यहां बन गई, थोड़ी छोटी सी चीज पर आसूदगी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें एड करना है। अल्लाहुम्मा लका सुमतो वबे का आमन तो वालेका तवक्कल तो वाला रिज़्क़े का अफ्तर तो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। आई बात समझे? हदीस थी चंद सेंटीमीटर की, मीटर की, और आई तो कितनी हो गई? 4-5 फीट 1 मीटर की बन के आती है। इसी को दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं?
लौला अहादीसु तातीना मिन किबलिल मशरिक, मशरिक से ऐसी ऐसी हदीसें आने लगी, ऐसी ऐसी रवायतें आने लगी कि हम लोगों ने न कभी सुना था न कभी देखा था। फिर हम लोगों ने जरूरत महसूस की, हाँ इसका मतलब कुछ लोग अब हदीस बयान करने के लिए कदम उठाया है। हम लोगों ने फिर हदीस को नोट कर लिया ताकि बताएं इतनी हदीस से इतना बाद में फला दज्जाल ने बढ़ाया है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल बात नहीं समझ में आई है। हदीसें क्यों हम लिखने लगे और ज्यादा? इसलिए लिखने लगे कि हदीस के अल्फाज महफूज हो जाएं। अगर कोई बाहर का आदमी एक जुमला भी उसमें दाखिल कर दे तो लिखी हुई चीज से बता देंगे देखो इसमें ये गलत है। उसकी मिसाल अल्लाह अकबर। टाइम बहुत थोड़ा है वरना ये बड़ी दिलचस्प बातें थी और आप लोग भी महसूस करते होंगे ये कितना दिलचस्प मौजू बन गया। अल्लाह एक मिसाल दें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद से पढ़ रहे थे। उस्ताद ने समझ गए ना, इमाम उस्ताद पढ़ा रहा था, इमाम बुखारी ने कहा हजरत ऐसा नहीं ऐसा है। उसने कहा नहीं, बड़ी बात पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा अच्छा उस्ताद आप सच्चे में झूठा, लेकिन आपने जो लिखा है जरा उसका उसको देख लें। इमाम बुखारी को उस्ताद उठ कर गया, अपनी किताब खोल करके देखी, पलट कर कहा वाकई अल कौल मा काल मुहम्मद, बात वही सही है लोगों जो मोहम्मद इस्माइल बुखारी कह रहा। देखा आपने, एक मिसाल मैंने दिया कि नोट कर लेते हैं हम लोग हदीस ताकि किसी को घुसाने और बढ़ाने की नौबतें न आए। पता चल गया कि लोग हदीस से क्या करते थे, लिखते थे। और नंबर छह, मुआविया बिन कुर्रा कहते कुन्ना ला नउद्दु इल्म मन लम यक्तुब इल्महु इल्मन। हम लोगों को तो मामला यह था जो इंसान हदीस नहीं लिखता था उसको हम लोग आलिम समझते ही नहीं थे। क्या पता चला? अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबा ने अल्लाह की सुन्नत हदीस लिखवाई, सहाबा ने लिखा, सहाबा ने रगबत दिलाई, ताबईन ने लिखा और फिर तबे ताबईन भी लिखते लिखते यहां तक कि आज तक एक अरसा गुजर गया, हदीसें लिखी जाती नहीं, अब लिखी कम जाती हैं, तबा ज्यादा कराई जाती हैं। अजान होगी नमाज के बाद इंशाल्लाह, फिर अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ताबईन तक तो बात आ गई लिखने का, चलो इंशाल्लाह बाद में।